नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से 370 हटाई है, तभी से इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दिन अच्छे नहीं गुजर रहे और हर जगह से डांट और लात खाकर भगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और दुख भरी खबर आई है और भारत के लिए ये थोड़ी बहुत खुशी की खबर हो सकती है। दरअसल कहा जा रहा है कि डी कंपनी में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दाऊद इब्राहिम के भतीजे इकबाल कास्कर के बेटे रिजवान को मुंबई पुलिस ने धमकी देने और पैसे वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद जून में धमकी और जबरन वसूली से जुड़े एक मामले में भगोड़े गैंगस्टर ने अपने लेफ्ट हैंड छोटा शकील के सहयोगी फहीम मचमच को परिवार की अगली पीढ़ी को अपराध की दुनिया में खींचने की सजा दी है। रिजवान ने जाहिर तौर पर मचमच के इशारे पर काम किया था। सूत्रों की माने तो रिजवान की गिरफ्तारी के अगले दिन दाऊद ने मचमच को फोन किया। उस समय मचमच यूएई में था। दाऊद इब्राहिम ने उससे खूब गाली गलौच की और उसे जमकर फटकार लगाई। अपराध की दुनिया पर नजर रखने वाले पत्रकारों की माने तो ज्यादातर बच्चे अपराध से दूर है। युवा पीढ़ी विदेशों में पढ़ाई कर रही है तो परिवार के अन्य लोग खाड़ी देशों में शॉपिंग मॉल और अन्य व्यवसाय चला रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दाऊद अपने मरे हुए भाई नूरा के बेटे सोहेल कास्कर की गिरफ्तारी से पहले से ही परेशान था। उसके बाद अब रिजवान की गिरफ्तारी के बाद डॉन और टेंशन में आ गया और इसी चक्कर में काफी डांट पिलाई। हालांकि अंडरवर्ल्ड के सूत्रों का कहना है कि गिरोह में आंतरिक कलह ने भी इस मामले में भूमिका निभाई है। गिरोह में दो गुट हैं, बड़ा गैंग शकील बाबू मियां शेख और छोटा शकील के नेतृत्व में चलता है तो दूसरा दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम चलाता है। सूत्रों के मुताबिक शकील और अनीस के बीच काफी सालों से आपस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वहीं दाऊद अपने भाई अनीस से ज्यादा शकील पर भरोसा करता है और शकील अपने सहयोगी मचमच पर भरोसा करता है और इसी को लेकर लड़ाई हुई है। और अपराध शाखा के अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि भी की है और कहा है कि वो इस बात पर नजर रख रहे हैं कि गिरोह के भीतर आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये बात तो तय समझी जा रही है कि अब डी कंपनी की हालत ठीक नहीं है और पाकिस्तान में दाऊद की हालत ठीक नहीं है और अब दाऊद किसी तीसरे देश में जाने की तैयारी कर रहा है। अब देखना होगा कि आखिर ये शान की लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है और दाऊद इसके बाद कहां जाकर शरण पाता है।